सो वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग गाइज, हम आ चुके हैं आपके साथ फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हमें बताएगी साक्षी। सो गाइज, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और आपको मेरे बैकग्राउंड से पता चल चुका होगा कि हमारा आज का टॉपिक है इरिगेशन एंड इट्स मतलब जवाहरलाल नेहरू के नाल फिल्टर के पास, जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यमुनानगर रिवर, यमुनानगर जो कि मेरा शहर है, और इसका एंडिंग पॉइंट है खालावास जो कि दीपांशु का गांव है। वहां से इसकी दो सब ब्रांचेस जाती है, इसके दो एंडिंग पॉइंट है, एक की महेंद्रगढ़ एंड लास्ट इरीगेशन होता है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। तो सीजनल टाइम में तो हमें जैसे ही पता है कि हमारे प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल के थ्रू है क्रॉप्स को पानी मिल जाता है, बट नॉन सीजनल टाइम में हम इरिगेशन के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू हम पानी को पहुंचाएंगे। तो इसके सिस्टम्स के बारे में बताने जा रही है आशा। इरिगेशन सिस्टम जैसे कि कैनाल, पॉन्ड, रिवर, ट्यूबवेल्स, और आज हम पहुंचे हैं रोहतक की कैनाल, जिसके बारे में हम आज आपको बता दें इस कैनाल के बारे में। कैनाल की आपने ज़्यादातर शेप देखी होगी, या तो ट्रेपेजॉइडल शेप की होती है या वी शेप की कैनाल्स होती है। तो इसका क्या कारण है गाइस? इसका कारण ये है क्योंकि जो हमारी विस्कस फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है जो कि कॉन्टैक्ट एरिया होता है, कि मतलब कि विस्कस का मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी पानी की अगर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के अंदर आ जाएगी। तो जो हम विस्कस फोर्स को कम करेंगे तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट एरिया कम करना पड़ेगा, जो कि ट्रेपेजॉइडल और वी शेप में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि टॉप लेयर का वेलोसिटी होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया के कॉन्टैक्ट में कम है, और जो इसकी जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी टॉप लेयर से कम होती है। गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि लाइनिंग क्या होती है। जो कैनाल की लाइनिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कैनाल के ऊपर एक सीमेंट कंक्रीट की लेयर है जिसको हम लाइनिंग बोलते हैं, और ये लाइनिंग होती है कि जो अपनी सीपेज रिडक्शन होती है, जैसे कि पानी टूट कर जा सकता है उसको बचाने के लिए, सिल्टिंग स्काउरिंग इसके इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम लाइनिंग करते हैं ताकि हमारा पानी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वेलोसिटी में फ्लो कर सके। तो गाइस, साक्षी ने अभी बताया कि हमारे लाइनिंग के बारे में टू टाइप की होती है, तो मैं बताता हूँ कि हार्ड सरफेस लाइनिंग में भी हम टू टाइप से यूज़ करते हैं। एक तो सीमेंट लाइनिंग होती है और एक ब्रिक वर्क लाइनिंग होती है। जो सीमेंट लाइनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है और ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, और उसमें वेलोसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, जिससे कि हमारा वेलोसिटी अच्छे से चलेगा पानी और उसकी स्पीड भी अच्छे से मेंटेन होगी। और जो हमारी ब्रिक वर्क लाइनिंग होती है उसके अंदर हम लाइनिंग कर देते हैं बट लेकिन उसमें सेटलमेंट हो जाती है। ब्रिक के अंदर हम क्या करते हैं कि मोटार को यूज़ करते हैं, जो उसके अंदर लेयर्स होती है फिलिंग के लिए, हम मोटार यूज़ करते हैं ताकि सेटलमेंट और पानी परकोलेट ना हो अंदर वाली लेयर के अंदर। आपको बताया कि लाइनिंग जो है वो पानी के कटाव से बचाती है हमें, और एक कंक्रीट की जो लाइनिंग होती है इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि ये एक कैनाल है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखी है कंक्रीट की लाइनिंग को। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो टेम्परेचर के कारण जो कि एक्सपेंशन जो कि इसके अंदर सुकड़ाव या फिर फैलाव होता है कंक्रीट का, उससे बचने के लिए, ताकि हमारी कैनाल के अंदर डिफॉर्मेशन। अगली वीडियो में मैं मिलूंगा आपको सालावास पंप हाउस पर, वहाँ से मैं बताऊंगा कि जो ये मीटर है इसका एंड होता है और इसकी दो सब ब्रांच जो कि जयलन कैनाल और एक महेंद्रगढ़ कैनाल में जाती है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय गाइस, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।